गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा रैन बसेरों के निरीक्षण के पश्चात स्वास्थ्य विभाग को शासन आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि रैन बसेरों में रहने वाले सभी लोगों का कोविड-19 के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य परीक्षण भी स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से सभी रैन बसेरों में बेहतर व्यवस्था की गई है। हमारी 3 टीमें रैन बसेरों में रहने वाले लोगों का प्रतिदिन शाम के समय कोविड जांच के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य परीक्षण भी करेंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो उसका इलाज भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया। अरे मोपे कोविड जांच के लिए एक शासन आदेश हमें मिला है जिसमें हम जितने रैन बसेरे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उसका निरीक्षण भी किया था, जितने भी रैन बसेरे हैं उसमें रहने वाले लोगों का हम सारे का कोविड टेस्ट करेंगे और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसके लिए दवा भी दी जाएगी। हमारी टीमें मूव करके, हमारी 3 टीमें मूव कर रही हैं जो स्वास्थ्य परीक्षण करती हैं करेंगी, और ये काम हम शाम के वक्त ही करेंगे क्योंकि दिन में अमूमन रैन बसेरे में रहने वाले लोग अपने कार्य पर चले जाते हैं। कोई रिक्शा चालक है, कोई सब्जी ठेला वाला है, उसको सोने की जगह नहीं होती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से इन रैन बसेरों में वो सारी सुविधाएं दी गई हैं जिनको कि वहाँ पे रजाई गद्दे ये सब मिले हुए हैं और उनके टॉयलेट्स की व्यवस्था है तो वो वहाँ मिलते हैं। तो शाम के वक्त हम उनका कोविड टेस्ट और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराने का अभियान चलाएंगे जिसमें 3 टीमें स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी और करीबन हमारी 7 टीमें अर्बन PSC की लगी हुई हैं जो कोविड परीक्षण करेंगी। तो वो इससे एक चीज़ उभर के आ जाएगी कि इस कम्युनिटी में जो ठेले का काम करते हैं, जो रिक्शे चलाने का काम करते हैं या जो अन्य लोग हैं कहीं से आके वाई देवे वहाँ रुक गए हैं, उनमें कोविड पॉजिटिव हैं लोग कि नहीं, तो ये एक अभियान चल रहा है।